फ्रेंड्स टू डायनेमिक्स ट्यूटोरियल्स और आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम जानने वाले हैं कैसे हम यूज कर सकते हैं स्मज टूल को और बना सकते हैं ऐसी ही कुछ कूल पिक्चर्स। इसी के साथ हम कुछ एडिशनल इफेक्ट्स एंड टूल्स भी देखेंगे। सो फॉर दैट लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लेयर को काफी बार डुप्लीकेट कर लिया है। डुप्लीकेट करने के बाद जो सबसे ऊपर वाली लेयर है मैं उसको क्विक सिलेक्शन टूल की मदद से मास्क कर रही हूँ। आप यहाँ पर कोई सा भी सिलेक्शन टूल यूज़ कर सकते हैं, लासो टूल या फिर आप इरेजर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं एक रफ सिलेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल यूज़ कर रही हूँ। सो एक रफ सिलेक्शन बनाने के बाद हम यहाँ पर अपनी लेयर को मास्क कर लेंगे। मास्क लेयर के थंबनेल पर क्लिक करके हम यहाँ पर इस मास्क को लेयर के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इसके बाद टूल पैनल से हम चूज करेंगे स्मज टूल। सो हमने यहाँ पर स्मज टूल की स्ट्रेंथ 50 रखी है, बट ये इनफ नहीं है क्योंकि हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है। तो आप इसकी स्ट्रेंथ को या फिर ब्रश के साइज को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इमेज। तो अब जिस लेयर को हमने स्मज किया है हम उसको टू परफेक्ट लेयर्स जिसमें हमने अभी तक कोई भी इफेक्ट या टूल को यूज़ नहीं किया है उसके मिड में रखेंगे। इसके बाद ऊपर वाली लेयर को मैं मास्क कर रही हूँ और उसके बाद मैं एक्स्ट्रा स्मज को हाइड कर रही हूँ ताकि वो फोटो में थोड़ा क्लियर लगे। अब हम एक नई लेयर बनाएंगे और उस पर ब्रश टूल की मदद से एक लाइट इफेक्ट बनाएंगे। मैं यहाँ पर ब्लू कलर यूज कर रही हूँ। सो हम फोन के पीछे वाले पार्ट को हाइड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ मास्क सो दैट ऐसा लगे कि ये लाइट फोन के अंदर से आ रही है ना कि फोन के पीछे से। तो ब्लेंडिंग मोड यूज़ करके हम इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव और थोड़ा सा और रियल बनाते हैं। ब्लेंडिंग मोड कैसे यूज़ करते हैं ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बताया है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पर चूज़ कर रही हूँ ब्लेंडिंग मोड ओवरले ताकि हमारी लाइट और ज़्यादा रियल लगे और इसमें कुछ फ्रिक्वेंसीज दिखे। मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर पॉस्चराइज। सो आप यहाँ पर डिफरेंस देख सकते हैं। कलर लुकअप आपकी पिक्चर को एक ऐसा इफेक्ट देता है जिससे कि आपकी सारी लेयर्स आपस में मर्ज लगती हैं। सो विद द हेल्प ऑफ ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट आप इमेज को और डेप्थ दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक ब्लैक सॉलिड ओवरले कर रही हूँ इमेज के ऊपर ताकि जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा फेड हो जाए और सारा फोकस रहे हमारी इमेज पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें and also smash the subscribe button.